तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जे कॉर्प के स्टॉक के बारे में। जे कॉर्प के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पिछले लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी पिछले लास्ट टू ट्रेडिंग सेशन से हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार गिरावट भी देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 10% की यहाँ पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है, और आज ही गिरावट से हमको यहाँ पर स्टॉक का ब्रेक डाउन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ब्रेक डाउन की बात करें तो यहाँ पर 307 के लेवल पर स्टॉक ने यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म किया था, लेकिन आज स्टॉक ने यहाँ पर एक सपोर्ट को भी यहाँ ब्रेक किया है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें तो यहाँ से अगर स्टॉक में और गिरावट आती है तो यहाँ से और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 289 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करता है देन हमको स्टॉक में 265, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 246, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ हमको स्टॉक में अगेन 220 तक के लेवल से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऐसा नेक्स्ट सपोर्ट। भाई यहाँ से अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से भी रिकवरी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 289 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ हमको स्टॉक में 334, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 374, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ हमको स्टॉक है 400, और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 450 और 475-500 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऐसा नेक्स्ट स्टेप पर रेजिस्टेंस। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।